तो सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में। जो भी किसान साथी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। तो आज हम आपको बताएंगे DSPL दीपक, जो गुजरात वाला दीपक सीड्स है, उसके बिंदु तिल के बारे में, जो एक संशोधित तिल का बीज आता है उसकी क्या विशेषताएँ, उन सब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये बिंदु वाला तिल का पौधा है वो सीधा रहता है और शाखाओं वाला होता है, अलग अलग ब्रांचेज भी निकलती हैं इसके अंदर और पौधा सीधी हाइट में जाता है और इस पौधे की ऊंचाई करीब 3 से 5 फीट तक रहती है। और इसके अलावा इसकी ऊंचाई जलवायु पर भी निर्भर करती है, अगर बरसात भी अच्छी हो, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहती है। और फली की व्यवस्था है इसके अंदर, आधार पर और विपरीत क्रम में अलग अलग फलियाँ लगती हैं और इसका बीज सफ़ेद और बड़ा दाना भी होता है और ऑयल परसेंट भी अच्छा होता है। और इसकी फसल की अवधि है जो करीब 75 से लेके 85 दिन के आसपास रहती है। तो आप भी इसको यूज़ में लेवें और रिव्यू के अंदर ज़रूर बताएं।